तो आज एक कंसेप्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स का। हम देखेंगे कैसे सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग्स जो है स्ट्रिंग्स कैसे यूज होती है। ऑल्दो इससे पहले जो सी वगैरह में बाकी मोस्टली जैसे लैंग्वेज में क्या होता है कि सी इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग जो है वहां पे एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे भी सी प्लस प्लस में भी ऐसा है। बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग अगर हमें यूज करनी है तो वो हैव टू यूज लाइक दैट, वो जो हम कैर करेक्टर एरे एक बनाते हैं और उसी को एक स्ट्रिंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक क्लास क्रिएट किया हुआ है इट्स कॉल्ड स्ट्रिंग, तो हम वो यूज करेंगे। ये जो क्लास है इंक्लूड करेंगे हम इंक्लूड स्ट्रिंग, तो हेडर फाइल में हमें देना है। तो ये स्ट्रिंग का एक इसमें एक डिफाइन किया गया एक स्ट्रिंग का क्लास जो हम यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कैसे स्ट्रिंग को हम यूज करेंगे, इट विल बी वेरी मच यूजफुल। अगर हम सिंपल कैरेक्टर एरे यूज करें उससे बेटर इसमें, क्योंकि इसमें ये काफ़ी चीज़ें वहीं से बनाई गई हुई है, पहले से ही डिफाइन की गई, काफ़ी सारी फंक्शंस है इसमें, मेथड बहुत सारी मेथड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो हमें लिखना है स्ट्रिंग सपोज नेम एंड आई कैन एड माई नेम जस्ट माई नेम। तो स्ट्रिंग एक वेरिएबल बन गया, स्ट्रिंग टाइप एक एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बन जाता है नेम, और उसमें चला जाता है माई नेम। तो अगर मुझे इसको आउटपुट करना हो तो आई कैन सिंपली यूज सी आउट नेम, और ये जो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे आउटपुट आएगा। यहाँ पे मुझे आउटपुट जो है माई नेम, क्योंकि मैंने इसमें माई नेम दे दिया था, या कुछ भी हम इसमें नाम दे सकते हैं। सपोज मैं इसको लिख सकता हूँ बड़ा भी, इसको ये दू, इसको रन करके मुझे मिलेगा माय नेम जफर। तो ये काफी सिंपल चीज है हो गई। अगर हमें इससे पहले कैरेक्टर एरे यूज करने तो उसमें काफी सारी चीजें थी, फिर हम कैरेक्टर एरे को कैसे एक्चुअली आउटपुट करते हैं, उसमें जो चेंजेस है वो कैसे करते हैं, या उसमें जो नंबर ऑफ हमने उसमें एक इशू था जैसे हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ता था या हमें बताना पड़ता था इसका साइज कितना है, वो चीजें थी। लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है। जैसे स्ट्रिंग में एक और चीज है, आई कैन यूज स्ट्रिंग सपोज नेम टू, ओके, तो मैंने स्ट्रिंग नेम टू एक कर दिया। तो अगर मैं स्ट्रिंग नेम टू में रखता हूँ मजीद, ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग नेम वन, नेम इसको मैं वन देता हूँ, नेम वन में मैंने रखा जफर, नेम टू में रखा मजीद, देन आई कैन डू अ थिंग लाइक नेम वन इज इक्वल टू नेम टू प्लस या नेम वन प्लस नेम टू। तो मैंने इस नेम वन वाले ऑब्जेक्ट में क्या किया, कंकेटिनेट किया। कंकेटिनेट यहाँ पे कोई फंक्शन की यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंकेटिनेट कर सकता हूँ मैं यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट खुद ही कंकेटिनेट करेगा। तो जो ही मैं इसको रन करता हूँ मुझे आउटपुट मिल रहा है जफर मजीद, लेकिन यहाँ पे सीधे कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है अवेलेबल यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधे जफर जो है उसमें कोई स्पेस नहीं है, फिर मजीद उसमें कोई स्पेस नहीं। मैं इन दोनों को कंकेटिनेट कर रहा हूँ, यानी ये ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है तो ये ऐसे इसको दे रहा है। अब हमें अगर इसके सेंटर में कोई स्पेस देनी हो तो वी कैन यूज लाइक इट, लाइक एक स्पेस देंगे फिर ऐसा कर सकते हैं। तो ये पहले नेम वन में जो भी डेटा होगा, इसमें जो भी स्ट्रिंग होगी, सब उसमें जफर है अभी, फिर इसको ऐड करेगा एक स्पेस, ठीक है, एक स्पेस ऐड की, फिर उसके बाद हमने नेम टू का जो जो भी उसमें डेटा है वो डाल दिया इसमें। तो अब ये ऐसा आना चाहिए जफर फिर स्पेस। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हम देखेंगे यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो है जफर के बाद एक स्पेस आ गई जो कि हमने एक्चुअली इसमें ऐड कर दी थी।
तो इसमें दो स्ट्रिंग्स या दो दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स हम आपस में कंकेटनेट कर सकते हैं सिंपली यूजिंग एडिशन ऑपरेटर जो हम यूज करते थे, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर भी हम ये एक्चुअली यहाँ पे ओवरलोड किया गया है, जो हम बाकी इंशाल्लाह देखेंगे ऑपरेटर कैसे ओवरलोड किया जाता है। ये ओवरलोड किया गया है ये प्लस ऑपरेटर। ये प्लस ऑपरेटर को जब दो स्ट्रिंग्स मिल जाती है तो ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है। यहाँ पे एक और चीज भी है हमारे पास, वी कैन हैव, हम ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज सी आउट, हम देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, नेम वन डॉट, देखो जब भी मैंने डॉट किया क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी बहुत सारी फंक्शंस है, यहाँ पे बहुत सारी फंक्शंस मुझे दिख रही है, जैसे ये टाइप है, अपेंड है मेरे पास, साइज है, रेफरेंस है, बहुत सारी कंस्ट्रक्टर्स की फंक्शंस कौन कौन सी है, कंपेयर है मेरे पास, और साइज टाइप, रिवर्स, कैरेक्टर एट, बहुत सारे साइज, फाइंड फर्स्ट, फाइंड लास्ट, यहाँ पे इतनी बहुत सारी फंक्शंस है जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो आई कैन यूज दीज टाइप, ये जो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी है इनमें मैं बहुत सारी, हमारे पास पहले ही प्रीडिफाइंड इनमें करके रखी है इस क्लास में, जो स्ट्रिंग क्लास है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो कोई जरूरत नहीं है हमें कि हम इसको नए से फिर से एक, हम ये सारी चीजें खुद से लिखें, कोई जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं इसकी लेंथ देखूं कि कितनी, ये जो नेम वन है, नेम वन, सपोज मैं अभी कंकरनेट इसको नहीं करूंगा, कंकरनेट मैंने बंद कर दिया, तो मैं चाहता हूँ नेम वन जो है उसकी लेंथ देखूं डॉट, तो मेरे पास यहाँ पे है कि लेंथ, तो रिटर्न करना है मुझे इसकी लेंथ, ठीक है। तो अगर हम देखें लेंथ है इसकी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो मुझे यहाँ पे आना चाहिए 6। तो जो ही मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे मिलता है, पहले तो मैंने जफर लिखा, फिर लेंथ 6, मुझे इसकी लेंथ 6 मिली, ठीक है। अगर मैं इसमें सपोज ऐड करूँ मजीद, तो अब मेरी लेंथ हो गई, एक तो ये 6 थी, अब 7, 8, 9, 10, 11, 12, और एक वाइट स्पेस मैंने डाली यानी 13, टोटल स्पेस अब 13 हो गई। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आई विल गेट लेंथ ऑफ 13 हियर, ठीक है। तो कोई मुझे कोई खुद से कोई कोड लिखना ही नहीं है, खुद से कोई मुझे एक नई कोई नया कोई क्लास नहीं क्रिएट करना है, नई कोई मेथड नहीं लिखनी है। और इस मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को डायरेक्टली किया है यूज इन द मेन फंक्शन, लेकिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में इसको अपने क्लास में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो हेडर है, ये हेडर हमें जरूरी देना है, जो ऊपर मैंने लिखा है स्ट्रिंग हेडर है, जो जिसमें एक स्ट्रिंग क्लास है एक्चुअली, तो ये क्लास हमें यूज होता है और उसी क्लास का हम एक स्ट्रिंग, इसमें क्लास एक्चुअली, तो ये जो हम बनाते हैं नेम वन नेम, तो इसके ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो जो ही हमने किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास की जितनी भी मेथड्स होती हैं, कंस्ट्रक्टर वगैरह, सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर हमने इसका एक सिंपली हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए और सिंपली यहाँ पे एक मेथड यूज की डॉट लेंथ। देयर आर, जैसे मैंने अभी दिखाया, देयर आर एन नंबर ऑफ द, बहुत सारी फंक्शन से, जैसे अभी ये फिर से मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इतना काफी बड़ा है, इसको मैं इतना बड़ा भी करूँ तो देन स्टिल ये बहुत बहुत ज्यादा, बहुत बहुत सारी फंक्शन है इसमें, बहुत सारी फंक्शन है, देखो मैं कितनी फंक्शन है इसमें कितने। तो कोई जरूरत नहीं, सपोज हमें कभी क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे ये फंक्शंस है हमें फाइंड लास्ट ऑफ, फाइंड फर्स्ट ऑफ, या अक्सर हमें क्या करना होता, कोई फाइंड करना होता किसी स्ट्रिंग में, हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है तो उसमें हमें कोई चीज सर्च करनी है, तो मैं सारी की सारी चीजें यूजिंग दिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ।
तो इससे क्या एक फायदा है, इससे ये फायदा है कि हमें स्ट्रिंग्स क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे प्रोग्राम में, स्ट्रिंग्स जो है अक्सर हमारे प्रोग्राम में स्ट्रिंग्स का ज्यादा काम होता है, और तो स्ट्रिंग एक कैरेक्टर हम न यूज करें क्योंकि कैरेक्टर में फिर हमें खुद से लिखना पड़ेगा सारी जो उसकी बाकी काम खुद से करना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज किया हुआ है तो कोड रीयूज होगा, कोड अगर पहले ही वहां से हमें दिया गया है, स्ट्रिंग एक क्लास ऐड किया गया है, एक हेडर फाइल भी हमारे पास है स्ट्रिंग की, तो वो हमें इंक्लूड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं हम अपने जो भी हम कंपाइलर यूज करते हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, या ऑनलाइन भी हम सर्च कर सकते हैं कि सी प्लस प्लस में जो स्ट्रिंग क्लास है उसकी क्या क्या फंक्शंस और वो कैसे यूज की जा सकती है। मैंने तो सिंपल इसमें एक चीज दिखाई, जैसे मैंने कनकेटनेशन दिखाया, इसमें कनकेटनेट कैसे करते हैं, या मैंने एक सिंपल उसकी फंक्शन एक दिखाई, लेंगे तो मेथड है उसमें, एक सिंपल मेथड है जो जिससे हम लेंगे। तो ऐसे ही हम हमारे पास अगर बड़ी एक स्ट्रिंग है, सपोज एक स्ट्रिंग है, तो मैं ये भी देख सकता हूँ इसमें कि कहाँ पे, अगर मुझे देखना कि एम अगर इसमें है, फाउंड करना है एम है, अगर मिला तो कहाँ पे मिला, ये ऐसा भी हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, सपोज मैंने नेम वन को, फिर एक जैसे हम इसको एरे में देते हैं, मैंने इसका 0 यहाँ पे इंडेक्स दे दिया, इसका मतलब ये प्रिंट आउट करेगा, ये प्रिंट आउट करेगा फर्स्ट कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर इसमें जेड है। अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो मुझे मिलेगा जेड, यहाँ पे मुझे मिला क्योंकि मैंने इसको बोला कि 0 वाला जो है कैरेक्टर मुझे निकाल के दो, तो क्योंकि मैंने बोला था इसको 0 वाला, तो 0 यानी 0 इज द फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पे ये मुझे इसने दे दिया फॉर द 0। तो ये चीजें भी है जो हम एक एरे में यूज कर रहे थे, तो वो चीजें भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे यूजिंग द स्ट्रिंग बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आज से हम जो भी एक्चुअली स्ट्रिंग्स हमें यूज करनी होगी, हम कैरेक्टर एरे यूज नहीं करेंगे, हम कैरेक्टर एरे यूज नहीं करेंगे, हम सी स्ट्रिंग, इससे पहले शायद हमने किया था यूज, तो सी स्ट्रिंग नहीं यूज करेंगे, वी यूज स्ट्रिंग्स एक्चुअली, जो एक क्लास यूज किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और उसी के कंस्ट्रक्टर या उसी का जो मेथड्स है वो हम यूज करेंगे जहाँ पे भी जरूरत पे। फॉर फर्दर आई रिकमेंड यू कि आप स्ट्रिंग की जो बाकी फंक्शंस है, एक सिंपल तरीका, अगर आपके पास कोई नया IDE है तो जो ही आप, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिखाई थी जी, आप उस पे उसका ऑब्जेक्ट एक बनाओगे और डॉट करोगे तो वो सारी चीजें आपको दिखा देगा, तो वो एक ऑप्शन है। और यू कैन एक्चुअली सी इंटरनेट इंटरनेट पे भी आप देख सकते हो कि कौन कौन सी इसकी फंक्शंस है, मेथड्स कौन कौन सी इसमें डिफाइन किए गए, उनको कैसे यूज किया गया है। ठीक है, ये तो था आज का बेसिक्स अबाउट स्ट्रिंग्स।